हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी फ्यूचर बंद हुआ है लगभग 300 पॉइंट के लॉस के साथ 37,576 पे। और यहाँ जो है तो हमने अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखी, उसके बाद में अच्छा खासा सेल ऑफ भी देखा। तो जो मैंने कहा था कि यहाँ आपको दोनों तरफ ट्रेड देखने को मिलेंगे, वो हमने निफ्टी में भी देखे, बैंक निफ्टी में भी देखे। मगर मोस्टली जो है तो बैंक निफ्टी करेक्शन मोड में है, तो हर एक बाउंस बैक जो है तो वो सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमने कल देखा, और हम लगभग 300 पॉइंट लॉस के साथ बंद हुए। तो चलो अभी देखते हैं चार्ट पे बैंक निफ्टी कैसा दिखता है और अगले वीक के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है और क्या ट्रेड हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है लगभग 1200 पॉइंट गेन के साथ, 3.5% ऊपर है। और मंथली चार्ट पे जो है तो यहाँ लगता है कि हमने एक टेम्प्ररी बॉटम क्रिएट किया है 32,400 पे, और हम अभी ऊपर के लेवल पे जाने को तैयार है। मंथली चार्ट बुलिश लग रहा है इंडिकेटर प्राइस वाइज, मगर ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है, तो हो सकता है कि हम एक जो है तो साइडवेज भी हो सकता है मार्केट, अगर यहाँ मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है और 32,400 का लेवल टूटता है तो हम 30,000 और उसके नीचे के भी लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में लॉन्गर टर्म में देख सकते हैं। करंटली मंथली चार्ट पे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अभी देखते हैं छोटा चार्ट वीकली चार्ट पे कैसे दिखता है। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने ब्रेकडाउन दिया था, वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई, ब्रेकआउट दिया, अभी वो भी फेल हो रहा है। तो यहाँ क्लियरली मार्केट जो है तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ जो है तो 40,000, नीचे जो है तो लगभग 34,000 से 32,000 के लेवल है। यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है, और यहाँ जो है तो हम आने वाले हफ्तों में बैंक निफ्टी को नीचे जाते हुए देखेंगे। इसका टारगेट रहेगा लगभग 35,900 या फिर 36,000 का टारगेट पकड़ के चलिए। तो करंट लेवल से आपको जो है तो 1,500 से लेकर 1600 पॉइंट का डाउन साइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर हम 34,000 और उसके भी नीचे जो है तो जा सकते हैं। वीकली चार्ट जो है तो वीक है बैंक निफ्टी का, और यहाँ जो है तो सेलिंग का ही स्ट्रैटेजी रहेगा हमारा। प्राइस वाइज इंडिकेटर वाइज दोनों भी तरफ जो है तो बहुत ही ख़राब है, और यहाँ वीकनेस क्लियरली दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ स्ट्रैटेजी रहेगा सेल ऑन राइज। नीचे जो टारगेट रहेगा हमारा मीडियम टर्म वो रहेगा 36,000 का, उसके नीचे जाता है तो 34,000 का भी टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखी थी, ऊपर के लेवल टेस्ट किया, वहाँ से अभी जो है तो करेक्शन और कंसोलिडेशन में बैंक निफ्टी क्लियरली है। और यहाँ जो है तो हमने देखा कि 38,100 के अराउंड अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है मार्केट में, तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए। उसके करीब आता है तो आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी। नीचे जो है तो 36,800 और उसके बाद में 36,300 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। तो यहाँ अगले वीक के लिए जो ट्रेड रहेगा हमारा बैंक निफ्टी में वो रहेगा सेल ऑन राइज। 38,100 के करीब हम सेल शॉर्ट जाएंगे बैंक निफ्टी में विद द स्टॉप लॉस, और जो नीचे टारगेट रहेगा वो रहेगा 36,800, उसके बाद में 36,300 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस जो है तो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस रखना है 38,650 के ऊपर, तो लगभग 550 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। नीचे आपको टारगेट जो मिलेंगे 38,100 से, तो वो टारगेट मिलेंगे लगभग 1300-1400 पॉइंट के, तो ठीक है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। अगर 36,300 आता है तो वहाँ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो बैंक निफ्टी में आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो सेल ऑन राइज होना चाहिए। हम सेल करेंगे 38,100 से 200 के अराउंड, 650 के ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट रहेंगे हमारे 36,300 के टारगेट हमें अगले वीक बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 36,300 के नीचे जाता है, और उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें 34,600 और उसके भी नीचे के लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ जो है तो थोड़ा सा वीकर साइड ही रुझान रहेगा बैंक निफ्टी में, और यहाँ हमारी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग रैलीज आ सकती है, और वो आएंगी, वो भी शार्प रहेगी, तो वो आपको उस तरह से उनको प्ले करना होगा।
क्योंकि यहाँ जो है तो मार्केट कंटिन्यूस नीचे ही नहीं जाता है, वहाँ जो है तो आपको ऊपर के भी लेवल देखने को मिलते हैं, यहाँ दोनों साइड आपको खेलने को मिलेगा। मगर आपको अगर पोजिशन कैरी करनी है और वो भी ओवरनाइट कैरी करनी है, तो आई विल सजेस्ट टेक पोजिशन ऑन हायर साइड इन शॉर्ट साइड ऑन हायर लेवल्स, और जो है तो आपको नीचे के लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते हुए दिख जाएंगे। यह ऑप्शन ट्रेडर के लिए सलाह रहेगी कि आपको इन द मनी पुट ऑप्शन में खेलना है, तो अगर 38,100-38,200 पे आता है तो हम उस पुट ऑप्शन पे फोकस करेंगे एट द मनी या फिर इन द मनी पुट ऑप्शन और मंथली एक्सपायरी का। और उसमें जो है तो अगर हमारे टारगेट आ जाते हैं तो उसमें हमें 60-80% गेंस देखने को मिल जाएंगे उस ऑप्शन में, तो एक अच्छे खासे गेन देखने को मिल सकते हैं। अगर मोमेंटम शार्प रहा तो हो सकता है कि आपको 2x गेन भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ मोस्टली फोकस रहेगा बेयरिश साइड पे, हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी सेल ऑन राइज, मोस्टली फोकस रहेगा इन द मनी पुट ऑप्शन पे, और यहाँ जो टारगेट बनते हैं वो 36,800-36,300, उसके नीचे जाता है तो हमें 35,000-34,500 के टारगेट भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। उसका फॉलोअप हम जो डेली एनालिसिस रहता है उस पे लेंगे। करंटली नेक्स्ट वीक के लिए फोकस करेंगे 36,300 का टारगेट। तो आई होप सो ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट इंडेक्स में कॉल चाहिए फ्यूचर और ऑप्शन के, तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेंगे श्योर शॉट कॉल विद द लाइव मार्केट्स फॉलोअप एंड सपोर्ट, और आप उसमें जो है तो ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए वंस अगेन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.